सब तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के पेपर की, और इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं हम प्रोज में से। इसके पहले पोयम के सारे एक्सट्रैक्ट इम्पोर्टेंट हम देख चुके हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्रोज में से, 3 नंबर का आएगा पोयम में से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी आ ही रहे हैं। अनसीन पैसेज कैसे करना वह भी हमने हल करके देख लिया है, एप्लीकेशन भी देख ली इम्पोर्टेंट। तो यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में है, 10वीं इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। तो इसको शुरू करते हैं। एक्सट्रैक्ट जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, द यंग सिगुल वाज अलोन ऑन ही स्लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैज ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स बी बिकेम अफ्रेड, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी stretched down beneath and it was such a long way down, miles down, he felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो यह जो extract दे रखा है, अब जो question इसमें से आएंगे वह है the word little means। तो द वर्ड लिटिल मीन्स का क्या मतलब है, तो यहाँ पे इसका मतलब है स्मॉल, ठीक है स्मॉल। अगला है व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो इसका आंसर होगा ही बिकेम अफ्रेड, ठीक है वह डर रहा था। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, तो वह रात को कहाँ सोया था, तो इसका आंसर है अंडर द लेज,